नंबर प्लेट इनके पास ब्लैक सिल्वर गार्निश थी, बट मैंने ये नहीं लगवाई। मैं आपको गाइस रिकमेंड करूंगा आप भी ये चीज़ ना लगवाएं। ये इनके पास 800 रुपये की है, बट ये आपको आफ्टर मार्केट 100-200 रुपये की मिल जाएगी। जैसे मैं लाया था, मैं 150 रुपये की लाया था, तो देख सकते हैं आप एक्सेसरीज। और इसका हम इसमें प्राइस वगैरह भी बताएंगे एक्सेसरीज की, ठीक है। जब लगेगी पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूँ प्राइस और मैंने क्या क्या लगाया है। Yo guys, what is up? Welcome to Gurungbhai channel. This is Aman. So guys, जैसे कि आज का टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख लिया ही होगा। आज की जो गाइज हमारी वीडियो जो होने वाली है, वो होने वाली है गाइज हमारी एक्सेसरीज की। और मैंने इसकी डिलीवरी वीडियो भी बना रखी है गाइज। जिसे नहीं देखी अभी तक वाली वीडियो, तो वो वीडियो गाइज आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और जैसे कि आपने गाइज मेरे को बहुत सारा प्यार दिया लास्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या एक्सेसरीज में लगाऊंगा, कौन कौन सी चीज लगाऊंगा, और जो मैं प्राइस बताऊंगा वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। पूरी एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको पता चले शोरूम के प्राइस एक्सेसरीज को लेकर, क्योंकि हम आफ्टर मार्केट तो चले जाते हैं, वहां पर प्राइस आप जान लेते हो, बट शोरूम के प्राइस बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। जब वो कार लेते हैं तभी उनको पता चलता है कि ये तो इतने का है और ये इतने का है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको कितने के पड़ेगी एक्सेसरीज ओवरऑल। तो वैसे तो गाइज मैं आपको अप्रोक्स में आपको बता देता हूँ, मैंने 20,000 करीब के इस कार में एक्सेसरीज लगाई है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक एक पार्ट के सब चीज के एक्सेसरीज के प्राइस बताऊंगा, नाम बताऊंगा उनके। तो वीडियो करते स्टार्ट, तो स्टे ट्यून्ड गाइज। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं अभी ट्रंक मैट आ गया है जो हमारे बोट स्पेस पे लगता है, और यहाँ पे एक्सेसरीज भी आ चुकी है, तो देख सकते हैं आप एक्सेसरीज। और इसका हम इसमें प्राइस वगैरह भी बताएंगे एक्सेसरीज की, ठीक है। जब लगेगी पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूँ प्राइस और मैंने क्या क्या लगाया है। और इनके पास अभी जो जो चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने वो चीज़ अभी लगाई है, और भी चीज़ में अवेलेबल नहीं है गाइज इनके पास। थोड़ा सा दुखी हो रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे को गाड़ी पूरी एक्सेसरीज के साथ चाहिए थी। तो अभी देख सकते हैं क्या क्या आ चुका है। ये भी देख सकते हैं गाइज हमारा किया का लंबर सपोर्ट, हाँ किया की बैचिंग के साथ बिल्कुल। और यहाँ पर एक्सेसरीज आ चुकी है, तो अभी कार में एक्सेसरीज लग रही है। सबसे पहले लंबर सपोर्ट लगाया है, अभी यहाँ पर रिबन थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस, आपको लंबर सपोर्ट दिखाता हूँ, जो कि गाइस जिनके बैक में थोड़ा सा पेन वगैरह होता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है लंबर सपोर्ट, ठीक है। तो ये गाइस हमारा एस जी के प्लस है। अभी थोड़ा सा और काम चल रहा है, अभी यहाँ पर एक्सेसरीज हमारी आ चुकी है, यहाँ खुल चुकी है। ये रेन वाइजर ये रहे, और यहाँ पर क्रोम के एक्सेसरीज रख रखी है। तो कुछ कुछ एक्सेसरीज इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो देखते हैं अभी कब लगाएं हम बाद में, ठीक है। यहाँ पर अभी क्रोम लगेगा और इसके अंदर क्रोम लगेगा हैंडल के इधर। आज देख सकते हैं यहाँ पे डोर वाइजर लग चुका है, कुछ अब ऐसा लग रहा है, अलग लुक आ रहा है और थोड़ा इनहेंस टाइप का आ रहा है, देख सकते हो गाइस। अब धीरे धीरे और एक्सेसरीज लगेगी इसमें, अब एक्सेसरीज का काम स्टार्ट हो चुका है। इसको रेन वाइजर भी कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं अभी भैया भी जस्ट लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हो थोड़ा सा भैया भी हमें डिस्कस करके बता देंगे। ये 3 mm टेप है ना, ये इसकी डस्ट साफ करके प्राइमर मार के फिर इसको लगाएंगे। तो देख सकते हैं सेल्फ प्लेट आ चुकी है गाइस सोनेट की, ठीक है। सोनेट की अब एजिंग है, देख सकते हैं सोनेट लगा है यहाँ पर। तो अब ये कार के जो डोर्स होते हैं उसके नीचे लगती है सेल्फ प्लेट। तो अभी जैसे देख सकते हैं अभी सिल्क प्लेट लगा रहे भैया एक्सेसरीज में, हमने सिल्क प्लेट भी ली थी। तो ये होता है गाइस डोर के अंदर लगती है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हाँ इससे लुक भी आती है गाइस, और इसमें सोनेट की तो बैजिंग दे ही रखी है, और लुक के लिए बहुत अच्छा है ये, देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पे भी लग रहा है, अभी यहाँ पे भी नीचे लग चुकी है, ये पीछे लग चुकी है अभी, और अभी सामने वाले उसमें लग रही है। ड्राइवर सीट की भी देख सकते हैं गाइस, और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है। तो गाइस देख सकते हो तो बैक साइड में लगेगी पीछे वाले डोर में सिल्क प्लेट, वो थोड़ी छोटी है, और फ्रंट वाले में जो आगे के दोनों गेट है उसमें थोड़ी बड़ी है, पोर्शन है ना उसका छोटा है। अच्छा अच्छा, और बड़ेगा बड़ा है तो वहाँ बड़ी आएगी। ये आपने पॉइंट की बात बोली, लॉजिक वाली।
वैसे भैया आपको गाड़ी कैसे लग रही है पहले ये बताओ। गाड़ी बिल्कुल बेस्ट, मेरी मनपसंद गाड़ी है। आपकी मनपसंद? तो भगवान की दुआ से आप भी बहुत जल्दी ले लो। पहले होंडा का शोरूम था यहाँ पर है ना, यहाँ पे नहीं, मैं पहले होंडा में था। अच्छा, मोतीनगर होंडा में शोरूम में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मान को 13 साल काम करते हुए थे, 13 साल। उसके बाद मैं ब्रांड में काम करने आता था नोएडा, गाड़ियाँ बनती थी उन गाड़ियों काम करता था, जो गाड़ियाँ 3 फीट मेले में लगती थी। अच्छा, 3 फीट के मेले में लगती थी, उन गाड़ियों काम करके आ चुका हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत एक्सपीरियंस है। स्टीरियो वगैरह ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने, कुछ नहीं है भैया के सामने। स्टीरियो के डंडे फंडे लगे ना, इसे सब स्पोर्ट्स कार वगैरह सब का कर रखा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कूट कूट के एक्सपीरियंस बड़ा पड़ा है भैया। हमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गाइस, आपको आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो ये टाइगर नोज जो ग्रिल है, जिसकी वजह से किया कि सोने जो और चमकती है, चार चांद लगाती है, वो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। और भैया आपको कैसी लगती है? जी ठीक है, बहुत मस्त लगती है। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई देख सकते हो, अब हेडलैम्प क्रोम लगने वाला है। अब ये कुछ ऐसे अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी, भैया कर रहे हैं बहुत स्लोली स्लोली। मान लो कि छूट रही है, कहीं गैप है, तो ये पूरा अंदर जाएगा। चेक कर लो इसको इससे। चलो मैं चेक करता हूँ। हाँ। पूरा ना ये एक टास्क मिला है, ये देखो अंदर 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 जा रहा है ना, ये नहीं जा रहा अंदर, ये देखो ना अंदर तो जा रहा है, नहीं बाहर को नहीं आ रहा है। बाहर तो नहीं यहाँ पे, समझा नहीं मैं जैसे ना, मतलब कहना है पकड़ पूरी बनी हुई है। अच्छा, कहने का मतलब है काम हुआ है ना। हाँ, तो जब यहाँ आया था। अच्छा, यहाँ से यहाँ आ जाता बिल्कुल। हाँ, हाँ ये बात तो, ये अंदर नहीं जा रहा है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, मेरे को तो अभी ठीक लग रहा है, इन फ्यूचर जैसा भी होता है तो मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगा, ठीक है। फिटिंग देख सकते हैं A1 अभी तो A1 लग रही है, इन फ्यूचर जैसी भी लगती है मैं आपको रिव्यू बिल्कुल दूंगा इसका। तो भाई देख सकते हो आप, लग रहा है फॉग लैम्प गार्निश। तो हमारे ST के प्लस है, तो ये फॉग लैम्प ना इसमें गाइस, इसमें कंपनीज में लगी लगाई दे रही है, इनबिल्ट है ST के प्लस में। बेसिक मॉडल में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, पर ST के प्लस में मिलेगा। और यहाँ पर हमने एक्सेसरीज में हमने यहाँ पे फॉग लैम्प गार्निश लगाई है, देख सकते गाइस। चेक कर लो, कहीं से भी चेक कर लो, देख लो पूरी बैठी हुई। हाँ ठीक है ठीक है। सो अभी एक्सरसाइज में गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्टर भी लगाया है हमने। किस चीज़ के लिए होता है आप ये बताना। जैसे मान लो कोठी में गाड़ी खड़ी है, कोई गमला रखा है साइड कोने पे, कोई कोई चीज है, कोई बाइक खड़ी हुई है, ये कवर कर लेगा, बॉडी बच जाएगी आपकी, बॉडी पे स्क्रैच नहीं आएगा जैसे भैया ने बताया। सो अभी गाइस देख सकते हैं, अभी यहाँ पे अभी 70 मैट भी आ चुके हैं, ठीक है। 70 मैट गाइज मेरे को अच्छे लगते हैं, 3D मैट भी आते हैं, बट मेरी जो चॉइस है वो 70 मैट की है, क्योंकि इसमें गाइज स्मेल वगैरह थोड़ी कम आती है, ऐसे कुछ भी पानी वानी गिरता है तो उसको आराम से साफ़ कर सकते हो, और जो धूल वूल जमती है तो इसके ऊपर कपड़ा मारो आराम से हो जाता है। और नीचे गाइज फ्लोरिंग भी होती है, वो अभी नहीं करा रहे गाइज, वो आफ्टर मार्केट हम कराएंगे काम, तो उसकी फ्लोरिंग भी मैं करवाऊंगा। फ्लोरिंग भी गाइज मेन होती है, और आप 3D मैट भी गाइज इसमें लगा सकते हैं अगर आपके पास बजट है, नहीं तो आप गाइज फ्लोरिंग करवाओ ना, उसके ऊपर 3D भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं 70 भी लगा रहा हूँ, और बाद में हम फ्लोरिंग भी करवाएंगे, वो गाइज फ्लोरिंग 1000 तक की आ जाती है, वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उसका प्राइस का, जो जब लगाऊंगा उसका मैं प्राइस वगैरह बताऊंगा। और अभी ये 70 मैट लगने हैं, लगने के बाद गाइज कैसे लगेंगे वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें अभी जितने भी गाइज ब्लैक वुड है उसमें गाइज देख सकते हैं पॉलिश वॉलिश कर रहे हैं, यहाँ पर टाइगर नोज ग्रिल में भी यहाँ पर करी है, वहाँ पर नीचे भी इन्होंने अभी पॉलिश करी है, जिससे गाइज चमक आ रही है। तो गाइज इधर आप देख सकते हैं, ये बम्पर प्रोटेक्टर, फ्रंट प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं आप इसे, तो ये भी गाइज जैसे प्रोटेक्टर का काम करता है, आपकी गाड़ी जैसे भी आगे कहीं साइड में टच वगैरह होती है, हाँ जी, तो उस पे चाने से और डेंट पड़ने से बचा लेता है, बचा लेता है उसके लिए। तो ये गाइज देख सकते हैं बूट के इधर लगेगी, जैसे ही बूट हमारा खुलता है बूट स्पेस यहाँ की तरफ लगेगा ये क्रोम। रिपोर्ट ओके रंजीत सर, और क्या
अब टाइट कर दो। हैंडल पे भी क्रोम लगेगा गाइस, हैंडल के जो अंदर लगता है क्रोम वो भी लगा रहे हैं हम, तो आप इधर देख सकते हैं मेजरमेंट थोड़ी ले रहे हैं और थोड़ा सा अभी ये करके अभी फिर इसमें चिपकाएंगे अंकल जी। और अभी जो लगे इसमें जो काम हुआ है वो भी रेन वाइजर लगे हैं इसके, और अभी थोड़ा बहुत क्रोम का काम हुआ है वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं गाइस। तो गाइस लग चुका है डोर हैंडल क्रोम और ये अंदर का क्रोम लग चुका है, तो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो पीछे वाले डोर पर भी लग रहा है गाइस, पहले कुछ ऐसा दिखता है आफ्टर फ्यू सेकेंड बाद कुछ ऐसा दिखता है गाइस। जैसे देख सकते हैं किया का डोर है जो हमने लगाया, इधर किया का बैजिंग भी दे रखी है, ये डोर सपोर्टर भी है, जैसे कि आप गाड़ी खोलते हो या तो कोई दीवार हो कुछ भी हो तो इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये देख सकते हैं हमने चार वार्ड लगा रखा है, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं आप गाइस, अभी लग रहा है 70 मैट, या आगे तो लग चुके 70 मैट, यहाँ पर देख सकते हो 70 मैट कुछ ऐसे लगते लगाकर, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगने अभी 70 मैट, ये पीछे रख रखे इन्होंने भैया ने। प्लेट आ गई है और ये कवर भी मैं ले आया हूँ, देख सकते हो गाइस अभी भैया लगा रहे हैं, हमारा नंबर भी आ चुका है, आज ही आ गया, परमानेंट नंबर है। और ये लगाने के बाद से ड्रिल कर रहे हैं अभी। सो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब मैं दूसरा जो पार्ट होगा मतलब कुछ एक्सरसाइज रह गई थी तो आज मैं वो लगवाने आया हूँ। तो ये मड फ्लैप्स है ठीक है, और यहीं पर रखिए टेल लाइट क्रोम है, ये आप देख सकते हैं टेलेट क्रोम है, और ये है विंडो पे आएगी, विंडो नहीं इधर शीशे पे आएगी इधर ठीक है, और VMs में आएगी इधर लगेगी। तो अभी ये तीन चीज़ें मैं लगवा रहा हूँ एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर जो लगती है एक, इनके पास वॉली क्रोम भी नहीं है और अभी विंडो क्रोम भी नहीं है, मेन मेरे को लगवानी है विंडो क्रोम और बस, फिर ज़्यादा क्रोम का काम ज़्यादा सही भी नहीं लगता। बट पापा कह रहे कि यहाँ पर भी एक लगवानी है डोर के इधर, तो वॉली क्रोम तो गाइस अभी इनके पास अवेलेबल है नहीं, तो अभी टेलेट पर क्रोम आएगी ठीक है। टेल लाइट की क्रोम मेरी रहती थी क्योंकि फ्रंट की आप देख सकते हैं फ्रंट पे तो क्रोम लग गई थी उसी दिन, आपने देखा होगा ठीक है, तो यहाँ पर तो क्रोम लग चुकी थी बट पीछे की क्रोम रह गई थी, तो पीछे की अब लगाने जा रहा हूँ। और इनके पास गाइस अवेलेबल कुछ कुछ चीज़ें होती नहीं एक्सेसरीज में, तो अभी पीछे की मैं लगवाऊँगा अभी इनसे, और इनसे मतलब मड फ्लैप्स लगवाने नीचे, ये नीचे लगते टायर के इधर ठीक है, वो लगने और बस फिर एक शीशे पे लगना है, तो बस इतना ही काम है। और फिर गाइस जो भी पार्ट था पहले का पार्ट तो आपने देख लिया होगा, ये वाला पार्ट मैं कुछ दिनों बाद लगवा रहा हूँ क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं थी एक्सरीज, पर आज इनके पास अवेलेबल हो गई है एक्सरीज, तो मैं लगवाने आ गया हूँ आज। और ये वीडियो भी गाइस कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पर, और मैं सारी एक्सरीज का आपको प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये चीज़ लगाते ना भाई? हाँ जी, प्राइमर है। वैसे होते क्या ये? अरे गम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, गम जो होती है ना टेप। अच्छा अच्छा, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, पहले इससे काम करना पड़ता है इससे। और ये कॉटन से देख सकते हैं टेल लैम्प क्रोम, ये ऐसे करके खुद ही चिपक जाती है ना। तो पहले भैया ने थिनर लगवाया और फिर प्राइमर लगवाया और फिर उसके बाद भैया ने क्रोम लगाई है ना, सही कहा ना मैंने? तो पहले तो ये चीज़ करी और उसके बाद भैया ने क्रोम लगा दिया, अभी आप देख सकते हो ये भैया यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लग रहा है ये। नहीं सर, वो यहाँ से। अच्छा, ओनली ये पूरी चिपक चुकी है, फेस होता है। अच्छा, फेस दिखाया था आपके, वैसे पूरी चिपक चुकी है अच्छी तरह, देखिए फेस दिखाई देगा, फेस देखना चाहिए ये पूरा प्रॉपर फेस पे आ रहा है। अच्छा, मेरे को ये चीज़ ना ये हल्की सी बाहर से नहीं लग रही आपको? तो यहाँ पे सर, यहाँ पे जो बैंड है ना, हाँ, यहाँ पे बैंड पे कुछ ना लगा तो उठा लगता है। ठीक है ठीक है, चलो लेफ्ट तो लग चुके हैं, अब राइट के लगवा रहे हैं टेल लाइट क्रोम।
लुक मेरे को गाइस कमेंट करके बताना है कि लुक कैसा आ रहा है। बड़ा प्यारा लुक आ रहा है मेरे को, तो ठीक लग रहा है। ये पहले अवेलेबल नहीं था इनके पास, बट अब इनके पास अवेलेबल हुआ तो मैंने सोचा ये भी लगवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इनसे बैलेंस रहता था इनके पास, ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा ये भी लगवा ही लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस मड फ्लैप्स आ चुके हैं, ठीक है, चारों टायर पे लगेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस चारों टायर पे लगाया हमने ये, तो ये प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर पूरी, मतलब मिट्टी ना जाए यहाँ से, पूरा ये सब गंदा हो जाता है, ठीक है, तो इस बारिश का जब होता है पानी होता है, ठीक है, जब चलती है गाड़ी तो पूरे गंदा हो जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ लगा ली है, मड फ्लैप्स कहते हैं इसको। और ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगवाया है और चारों टायर में लगता है ये। और ये चीज़ मेरे को गाइस कमेंट करके बताना ये चीज़ कैसी लग रही है। ये यहाँ पर शीशे पे क्रोम और बाकी सारे क्रोम तो मैं आपने पहले ही देख ली होंगे, ये चीज़ मैंने लगवाई थी। तो गाइज आपने मेरी एक्सरीज वाली वीडियो तो देख ली होगी, आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के एंड में आपको प्राइस बताऊंगा सबके, तो ये गाइज मेरे पास शोरूम वालों का प्राइस पैम्पलेट रखा है, तो वैसे मैं आपको बताया था मैंने क्या क्या चीज़ लगवाई। तो गाइज देख सकते हैं ये साइड फिन्स लगवाया मैंने, ठीक है, ये देख सकते हैं साइड फिन्स का जो प्राइस है वो 800 रुपये है। और नंबर प्लेट इनके पास ब्लैक सिल्वर गार्निश थी, बट मैंने ये नहीं लगवाई। मैं आपको गाइज रिकमेंड करूंगा आप भी ये चीज़ ना लगवाएं, ये इनके पास 800 रुपये की है, बट ये आपको आफ्टर मार्केट 100-200 रुपये की मिल जाएगी। जैसे मैं लाया था, मैं 150 रुपये की लाया था, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये इनके पास बॉडी साइड मोल्डिंग ये है इनके पास 2000 समथिंग की, ठीक है, 2000 रुपये में 10 रुपये कम। तो ये मैंने ये नहीं लगवाई है, मैंने ये लगवाई है, एक तो मट ये लगाया है, साइड फिन्स लगाया है, ठीक है, और मैंने डोर वाइज़र क्रोम करवाया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इनके पास ये जो डोर वाइज़र क्रोम जो है इनके पास, वो है इनके पास 2280 रुपये के, ठीक है। और ये जो है बम्पर प्रोटेक्टर, ये चीज़ मैंने लगवाया है, और ये है 770 रुपये के इनके पास। और फिंगर गार्ड क्रोम मैंने लगवाया है, ये इनके पास 900 रुपये के है फिंगर गार्ड क्रोम। और इनके पास गाइज डोर हैंडल क्रोम मैंने लगवाया है, इनके पास है 909 रुपये के, ये भी मैंने लगवाया है। और इनके पास हेडलैम्प गार्निश क्रोम है, वो भी गाइज मैंने ये भी लगाया है हेडलैम्प गार्निश क्रोम, और इनके पास ये 1000 रुपये के है अवेलेबल। और इनके पास टेल लैम्प गार्निश क्रोम जैसे जो मैंने आज लगाया है, वो इनके पास 1300 रुपये के अवेलेबल है। और ORVM में जैसे मैंने आज लगवाया, जो आपसे मैं बार बार बोल रहा था कि आपको कैसे लगे ORVM में गार्निश क्रोम, तो वो इनके पास 800 रुपये के है, तो ये भी मैंने आज लगवा लिया फाइनली। ट्विन कलर डोर स्टील गार्ड, तो ये इधर की तरफ रखते हैं जो आप डोर खोलते हो, तो ये चीज़ भी मैंने पहले ही लगवा ली थी। तो ये चीज़ इनके पास सोनेट लिखी हुई, सोनेट की बैजिंग के साथ पूरी, ये इनके पास 800 रुपए की मिल रही है। फॉग लैंप गार्निश क्रोम ये 630 रुपए के इनके पास है, ये चीज़ भी मैंने लगवाई है। व्हील आग गार्निश क्रोम ये इनके पास था नहीं, बट मेरे को लगवाना था, ये 1800 रुपए के हैं इनके पास, बट इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने 7D मैट लगवाए हैं, पहले मैं इनको आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मल मैट है, ऑल वेदर मैट जिसको कहते हैं, तो वो इनके पास है 1360 रुपये के अवेलेबल है। और ये डुअल लेयर मैट, ये वाले 7D मैट है जो मैंने लगवाया, वो इनके पास अवेलेबल है 5150 रुपये के, ठीक है। तो ये चीज़ तो उसी दिन लगवा ली थी मैंने। और 3D ट्रंक मैट, ये डिग्गी में लगता है गाइज ये, ठीक है, बोट स्पेस में लगता है ये 3D ट्रंक मैट, तो 1885 की अवेलेबल है ये ट्रंक मैट इनके पास, और ये चीज़ भी मैं लगवा चुका हूँ। लेदर स्टेयरिंग व्हील कवर ये मैंने नहीं लगवाया, ये मैं आफ्टर मार्केट लगाने सोच रहा था, क्योंकि गाइज ये सस्ते मिल जाते हैं, पर इनके पास 919 रुपये के मिल रहे हैं। सनशेड रो ए, ठीक है, ये चीज़ ही मैंने नहीं लगवाई है, और इनके पास 1650 रुपये के मिल रहे हैं। बाकी की ये हेडरेस्ट कुशन दे रहे थे, बट ये चीज़ मैंने नहीं लगवाई, ये चीज़ मेरे को इतनी मतलब पसंद भी नहीं, और मैंने फिर भी नहीं लगवाई, और बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे इसका प्राइस, ये 1250 रुपये का प्राइस था इनका। की कवर तो गाइज नहीं, मैंने नहीं लिया, और इसका प्राइस फिर भी आपको बताता हूँ, 630 रुपये का इसका प्राइस है। और ये गाइज देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर, ये गाइज सेफ्टी फीचर्स में आता है, ये शीशे पे लगता है इधर की तरफ ORVMs में, ठीक है, तो दोनों शीशे पे लगता है ये, 400 रुपये का, ये चीज़ मैंने नहीं लगवाई, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा इनसे ये चीज़ लगवा लूँगा, ठीक है, अभी भी मेरे गाइज 450 बैलेंस रहते हैं इन पर, तो ये चीज़ गाइज मैं लगवा लूँगा। मोबाइल होल्डर गाइज इनके पास है 3367 का, बट मैंने मोबाइल होल्डर एक अच्छा खासा ले रखा है,
और मोबाइल होल्डर मैंने जो लिया था वो हमारा था 500 करीब का था, अच्छा खासा। जो मैंने रियर बोर्ड गार्निश क्रोम मैंने ये भी लगवाई थी, ये चीज़ यहाँ पे लगती है, रियर बोर्ड गार्निश क्रोम 789 रुपीज़ के इनके पास अवेलेबल है, तो ये चीज़ ही मैंने लगवाई थी। मैंने मड फ्लैप्स भी लगवाए हैं, ठीक है, मड फ्लैप्स इनके पास अवेलेबल है 489 रुपीज़ के। और यहाँ पर हुड स्कोप ट्विन देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने लगवाई, अगर आपको ये लगवानी है कंपनी से ये 1000 रुपीज़ के है इनके पास। साइड स्टेप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने नहीं लगवाए, इनके पास ये 15000 रुपए के अवेलेबल है, अगर आपको लगवाने हैं कंपनी से तो आप लगवा सकते हैं 15000 रुपए के। और यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो बीडिंग क्रोम, इनके पास ये अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, मेरे को लगवानी थी बट अवेलेबल नहीं थी। और लास्ट में आता है कवर, तो गाइस ये कवर आपके आपको कार के साथ नहीं देते, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको कार कवर लेना है तो उसके लिए गाइस मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वैसे आपको मैं आफ्टर मार्केट रिकमेंड करूंगा अगर आपको कार कवर लेना है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था, मैंने आपको सब चीज़ की प्राइस बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुम ब्रदर्स। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।